सबसे पहले नमस्कार, मैं राधा सिंह। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एस ग्रुप को, बिकॉज ऑफ ये भोजपुरी की काफ़ी पॉपुलर प्रेस है, जो कि मैं चाहूँगी, मैं भी डेब्यू कर रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, और मुझे भी सपोर्ट करें जैसे कि माता रानी ने इनको सपोर्ट किया है। और भी बड़े बड़े ऑफिसेज बने इनके, जिसमें हम दोबारा आए। और सर के बारे में कहूँगी कि मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ, फिर भी प्यारो सर हमारे। और क्या कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और मेरी जो आने वाली फिल्में हैं उनको भी सपोर्ट करें और मुझे हाईलाइट करें इसी न्यूज़ चैनल के द्वारा, और आगे बढ़े। किस फिल्म से आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू होगा? मेरी मूवी अमरीश जी के साथ डेब्यू हो रही है मेरी, मेहंदी रंग लाएगी, जो कि अभी जस्ट हम करके ही आए। इसके अलावा और भी मूवी आने वाली है, जैसे भोजपुरिया डॉन, और भी मैं बाद में बताऊँगी। इसके अलावा कि ऑडियंस हमारी जोड़ी पसंद करे, सपोर्ट करे और मुझे प्यार दे, जिससे कि मैं भी आगे बढूं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और दोबारा से कहूंगी, ये टीम मुझे और भी सपोर्ट करे, जिससे कि मैं बार बार इंटरव्यू दूं इस टीम में। मैम, पिछले दिनों आपका एक सोशल मीडिया पर फोटो जबरदस्त वायरल हुआ था, ब्लू ड्रेस, उस बारे में कुछ बताएं। लोगों ने बहुत पसंद किया, प्यार किया, मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैं हरियाणा इंडस्ट्री से हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि मैंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं वहाँ पे, सॉन्ग्स किए हैं, और वहाँ से यहाँ पर आना और लोगों का इतना सारा प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, सब कहते हैं कि राधा आगे बढ़ो, आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है भोजपुरी इंडस्ट्री, मुझे इस तरीके से अपना रही है, सपोर्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्लू ड्रेस की बात करूँ तो उस दिन कुछ माता रानी का आशीर्वाद था, आप लोगों का प्यार था, इतना सपोर्ट कर दिया सब ने, इससे ज़्यादा क्या। आपने अभी हाल फिलहाल अमरीश जी के साथ फिल्में शूटिंग करके लौटी है, इतना भोजपुरी सीखा है आपने अमरीश जी से, क्या सीखा है? भोजपुरी सीखने की बात रही तो मेरे पिताजी खुद भोजपुरी बोलते हैं घर में, क्योंकि गोरखपुर से हूँ मैं, और पिताजी हिंदी तो बोलने ही नहीं देते, हम ही बोल लेते हैं, वो अलग बात है। बट अमरीश जी की बात रही, वो बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, और वो मुझे सिखा भी रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो आता है, फिर भी वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, लहजा बोलने का तरीका, और बस काम, जैसे कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जो आपको दर्शक अभी देख रहे हैं, उनसे प्योर भोजपुरी में अपने प्यार के इजहार कैसे हम रउआ लोगन से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।